खबर अलवर से है, जहां पर वॉकआउट 2 की वेब सीरीज की सफलता को मिलते ही अभिनेता यानी प्रदीप ने मनाया जश्न। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ उसमें देखा गया और किस तरीके से यह जश्न मनाया गया। सीधा दिखाते हैं अपनी खास खबर में। एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई वेब सीरीज वॉकआउट 2 में पिंटू डेढ़ा का किरदार निभाने वाली अभिनेता प्रदीप नागर ने अपनी वेब सीरीज को 50 करोड़ से अधिक दर्शकों द्वारा देखे जाने व वेब सीरीज के हिट होने की खुशी में अलवर के दरड्डी कर फोर्ट पहुंचकर अपने साथियों के साथ जश्न मनाया। नागर ने भोकाल में अभिनय करने वाले अभिनेता मुनीश तमर के साथ केक काटकर खुशी व्यक्त की। साथ ही इस अवसर पर प्रदीप ने पत्रकारों को भोकाल 2 के शूटिंग के अपने किस्से और डायलॉग भी सुनाए। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदीप नागर ने कहा कि अलवर काफ़ी अच्छी जगह है जहां शूटिंग की काफ़ी संभावना है। नागर ने कहा कि द डडीकर फोर्ट में वो पहले भी रुक चुके हैं और यहाँ आकर वो खुद को प्रकृति के पास महसूस करते हैं, वह मन को शांति मिलती है। प्रदीप नागर ने बताया कि पिंटू डेढ़ा पहलवान था और उसे जैसा दिखने के लिए उन्हें भी वजन बढ़ाना पड़ा। प्रदीप ने बताया कि वेब सीरीज में उन्हें अपने से बड़ी उम्र के अभिनेता का बड़ा भाई का रोल मिला था, जिसके लिए लुक पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रदीप नागर ने बताया कि केरल के लिए किलर मैन पिज्जा बॉय की स्टोरी व बेबी नाम से उनकी एक फिल्म बनकर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार, जिसमें मुग्धा गोडसे के साथ वो मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वेब सीरीज UP 14 की शूटिंग भी जल्द शुरू होगी, जिसमें सन्नी देओल, के मैनन व पंकज त्रिपाठी के साथ वो प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे और सरफिरे मेरठ नाम से एक फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जो एक लव स्टोरी है। इस अवसर पर अभिनेता मुनीश तंवर ने भी वेब सीरीज से जुड़े अपने किस्से बताए। मुनीश ने बताया कि वेब सीरीज की सफलता के बाद वो लोग राजस्थान आए और जयपुर में मोती डोंगरी गणेश जी व खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अलवर पहुंचे। और एक समय था जब ये OTT प्लेटफॉर्म नहीं था, मूवी नहीं था, लोग प्राकृतिक नज़ारों के बीच अपने आप को एंटरटेन करते थे, प्रकृति का मित्र बनते थे, दोस्त बनते थे। सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होकर वो सब चीज़ें छूट गई है, क्या आप इससे सहमत हैं? ये यार ये सब चीज़ें ना लोगों के ऊपर हैं। आज भी मैं बॉम्बे रहता हूँ, बट मैं महीने दो महीने में या जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं प्रकृति के लिए जाता हूँ, जहाँ पे प्रकृति सौंदर्य है और जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है। सो मैं हमेशा जाता हूँ और हमेशा मेरा राजस्थान भी आना होता है, जहाँ मेरा मन रमे। और आप काम को कभी नहीं छोड़ सकते, ये काम है एक, तो काम आपका कुछ और है, आपका पत्रकारिता का है, मेरा अभिनय का है, तो उस काम में से सबको एक थोड़ी सी थोड़ा टाइम निकाल के इन सब चीज़ों के लिए टाइम देना होता है। तो ये तो व्यक्ति विशेष के ऊपर है कि उसके उसके लिए किस चीज़ का महत्व है। कम उम्र में आपको इतनी प्रसिद्धि पॉपुलरिटी मिली, इसके लिए आप किसको श्रेय देते हैं? इसके लिए मैं श्रेय अपने सब दोस्तों को देता हूँ, जिन दोस्तों ने भी जिस रूप में भी मेरी मदद करी, उन सब दोस्तों का मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे वो कोई भी है और किसी ने किसी भी रूप में अगर मेरी मदद करी है, और अपने माँ बाप को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इतनी तंगी में इतने दिन तक उन्होंने एक धैर्य रखा कि प्रदीप एक दिन काम करेगा और एक दिन स्टार बनेगा। सो शुक्रिया है सब लोगों। फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय किसको जाता है? फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय तो जाता है पिताजी के लिए, कि शायद वो उस दिन अपनी आँखें नम ना करते और मेरे अंदर वो भौकाल नहीं मचता तो शायद मैं डिसीजन नहीं लेता बड़ा होने का। और मेरे मित्र सचिन, जिसने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फिल्में दिखाई उन दिनों, हालांकि मेरा नंबर लगा इसलिए कि वो मेरे भाई के पिक्चर, भाई के साथ जाते थे सिनेमा पिक्चर देखने, तो एक दिन मेरा भाई नहीं गया तो मेरा मौका लगा उनके साथ जाने का, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ सिनेमा में। आने वाली फिल्मों के बारे में कोई जानकारी दें? आने वाली फिल्में जो भी हाल फिलहाल में बहुत सारी स्क्रिप्टें मेरे पास आई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।